साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्रिय आत्मन, विश्व के मेरे सभी भाई बहन और साई बाबा को साई वाणी सुनने वाले मेरे सभी मित्र। साई वाणी का जब विचार रखता हूं मैं, तो आप सोचते हो कि मैं क्यों इतना प्रयास कर रहा हूं, क्यों पूरे विश्व का भ्रमण करके मैं अभी ये साई वाणी घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमें एक नया और विचार देने वाला बहुत अच्छा प्रगल सुख शांति और समाधान से भरा हुआ साई का शिष्य परिवार और समाधान भरा हुआ देश निर्माण करना है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, अंतिम पुष्प है और एक नई शुरुआत है। ये छोटी सी कहानी से मैं आज की साई वाणी को प्रारंभ कर रहा हूं। आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, प्रारंभ करो और जारी रखो। और यही एक विचार आपको कहां से कहां तक लेके जाएगा, इसकी मैं छोटी सी कहानी बता के आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं, शांति से आपको सुनना है। एक विश्वास है मुझे, अभी अभी मैंने इस विचारधारा को अपनाया और जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लाना शुरू किया। ये बदलाव जब आए तो जीवन में बदलाव लाना शुरू हुआ। कौन से बदलाव? दूसरे महायुद्ध के समय की ये सच्ची कहानी है, जो विचारधारा के प्रति है। लेकिन आप सबको ये विश्व की निर्मिति बहुत बार हुई है, लेकिन एक फूल, एक अंतिम फूल, अंतिम पुष्प और नई शुरुआत, इसके बारे में मैं कहने जा रहा हूं। आज भी साई वाणी एक नए समाज का एक पुष्प है और उसी पुष्प से हमें नया जीवन खड़ा करना है। और इसकी शुरुआत ठीक से सुनिएगा, दूसरा युद्ध शुरू हुआ था उस समय और पूरी धरती में आपस में झगड़ के, पूरी धरती पे लोग इतने झगड़ रहे थे कि वहां बॉम्ब डाले गए और पूरी धरती नष्ट हो गई। पूरी धरती नष्ट हो गई, कुछ लोग चिने गुने बचे और एक फूल बचा। कोई किसी के चेहरे पे हंसी नहीं थी, हर कोई निस्तेज था, कोई देख नहीं रहा था, किसी को कोई सपना नहीं था, कोई आत्मविश्वास नहीं था, कोई सुख नहीं था, कोई शांति नहीं थी, कोई समाधान नहीं था और कोई किसी से किसी भी प्रकार के व्यवहार करने के लिए लायक नहीं था, दुखी था हर कोई। एक फूल था, बहुत बहुत ऐसा उमला हुआ, बहुत अच्छा फूल, एक ही फूल था। वो लड़की बोल रही थी छोटी सी, देखो एक ही फूल है पूरे धरती पे जीवित, वो कितना प्रसन्न फूल है, कोई नहीं सुन रहा था। बट उसी के उम्र का एक लड़का उस लड़की को चाहता था, उसने उस लड़की की बात मानी और जैसे ही उस लड़की की बात मानी वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और फिर उसने देखा दोनों ने एक साथ आके कि एक छोटी सी मधुमक्खी उस फूल पे आके बैठ गई, और जैसे ही उस मधुमक्खी फूल पे आके बैठ गई उस फूलों से बहुत सारे अंकुर निकल गए, उड़ गए इधर उधर और फिर अलग अलग जगह पे बिखर गए और वहां दूसरे बीज अंकुर गए। मैं बहुत बार कह चुका हूं, एक बीज अगर धरती को अच्छी तरह से बोओगे ना तो उसका पेड़ बनेगा, उसी के बहुत सारे पेड़ बनेंगे और पूरे धरती पे एक बीज हरियाली बना सकता है, याद रखना। और इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, विचारों का बीज, आप जरूर पढ़ना। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप हमारे
विचारों से जब जुड़ते हो ना भाइयों, तो उस विचारों को आप साथ में जोड़ना भी। फिर वो जैसे ही मधुमक्खी बैठी थी, मधुमक्खी उड़ गई, उससे अंकुर निकल गए, बहुत सारे फूल आ गए और पूरी धरती हरियाली, फूल से वो पूरा परिसर महक गया। जैसे ही महक गया तो बच्चों के चेहरे पे हंसी आ गई, फिर बच्चे भी खेलने लगे। वहां के जो नौजवान थे उन्होंने भी अपने बच्चों को खुश देखे, उन्होंने भी जोश भरा और फिर वो भी अपना अपना काम करने लगे। और फिर कोई बाहर गया, कोई अपने देश में रहा, सब व्यापार व्यापार चलन चालू हुआ। फिर कोई कर्नल बना, कोई ब्रिगेडियर बना, कोई शिक्षक बना, कोई व्यापारी बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई टीचर बना। फिर खूब स्कूल शुरू हो गए, सब कारखाने शुरू हो गए और पूरे धरती में आनंद छा गया। फिर आनंद छाने के बाद लोगों में कुछ दिनों के बाद झगड़ा शुरू हुआ। वही झगड़ा हमें नहीं करना है। साई वाणी एक नया जारी रखो, इसी प्रारंभ को हम जीवन कहते हैं। भूलना नहीं है आपको, मेरी हर कहानी ऐसी कहानी नहीं है। साई ने आशीर्वाद दिया है, साई बाबा ने जो नींव रखी है, जो सत्य और अहिंसा के प्रति, जो श्रद्धा और सबूरी के साथ, और जो मानवता का धर्म है और सबका मालिक एक है, इसी क्षमता को हमें तो आगे लेके जाना है। यही तो विचार हमें पाना है और इसी विचारों को लेके हमें जीवन जीना है। हमें ऐसे नहीं जीना है, उठना है अभी। साई वाणी 20 मिनट सुनने के बाद 10 मिनट का ध्यान प्राणायाम, उसके बाद साई क्रिया और साई ध्यान, और फिर देखो गुरु मंत्र कहा है, प्रारंभ करो और जारी रखो। प्रारंभ करना है, उसको जारी रखना है। नहीं भूलना चाहिए आपको इन बातों को, नहीं भूलना चाहिए अभी। ये क्यों मैं कहानी कह रहा हूं, लोग है ना लोग, मैं छोटी सी बात को नहीं समझ पाते आप, और छोटी छोटी बातें आप जब अनदेखा करते हो ना, तो आपके लिए बहुत दुखी वाली बात है। याद रखना, एक बहुत बड़ा साधु हुआ और वो मरने को था, मरने के समय पे पहुंच गया। उसके शिष्य थे, बहुत हजारों शिष्य थे, तो उसके शिष्य इकट्ठा हो गए उसके पास और कहा, गुरुजी अभी आप तो अपना ध्येय छोड़ रहे हो, हमें अंतिम सत्य बताइए, जीवन का एक लाइन में अंतिम सत्य बताइए। तो साधु ही थे, वो तो निर्विकार थे, उनको तो कोई डर नहीं था, उनके चेहरे पे तो प्रसन्नता थी। वो हंस के बोले, बच्चों एक बात मैं बताऊंगा, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं लोगे। कैसे, आप है हमारे गुरु है और आप ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो जरूर सीरियस लेंगे। बोले क्या है, बोले बिल्ली मत पालना। इतना महान गुरु और जाते समय बोल रहे कि बिल्ली मत पालना, और उन्होंने जान छोड़ दी। अभी बिल्ली मत पालना ये बोलने के बाद ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और ये सब सोचने की समय आया तो वो बाकी सब लोग शंके में ले रहे थे, शंका उनके मन में आ रही थी, प्रश्न निकले थे मन में कि ऐसे गुरुजी क्यों बोले। फिर सब सोच में पड़ गए, फिर अभी उनको तो पता चला कि गुरुजी ऐसा क्यों बोले। फिर गुरुजी का एक बहुत पुराना मित्र था जो गुरुजी के साथ रहता था पहले से ही, और वो गुरुजी के मन की बात जानता था। फिर वो सब उसके पास गया और बोले, गुरुजी जाते समय इतनी बात बोले है कि अंतिम सत्य बताता हूं, बट आप नहीं उसको सीरियसली लोगे, आप नहीं उसको महत्व दोगे, क्योंकि मैंने भी नहीं दिया था और मुझे पता है आप भी नहीं दोगे। बस एक बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर इसका मतलब नहीं समझेगा तो इस गांव में जाओ, मेरा एक मित्र है जो आपके पास हम आए हैं, आप उसका अर्थ हमें समझाइए, क्योंकि गुरु कह के गए हैं कि आप बताओगे। समझ में आया भाइयों, बहुत साल तपस्या करने के बाद बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया है ना, वो मेरे अंतर आवाज से और अंतर मन से और बाबा की धुनी से, बाबा के विचारों से, मेडिटेशन में आके मैं जो कहता हूं ना आपको, आपका जीवन बदल जाएगा। एक फूल मतलब वो विचार साई वाणी का, एक फूल को अंकुरना मतलब मेडिटेशन करना, साई क्रिया करना, साई ध्यान करना, और अपना जीवन बहारना मतलब उसी प्रकार जीवन में खुशहाली लाना। ये वो संपर्क है, ये वो कहानी का अंत है, ऐसे मत लेना। अभी आप कहोगे कि आप तो बता सकते हो हमारे गुरु ने ये, मैं कहली पहले पूरा करना चाहता हूं, आप ठीक से समझिए, क्योंकि पहली कहानी से दूसरी कहानी संलग्न है और दूसरी कहानी से अंतिम सत्य और बोध संलग्न है, इस बात को आप समझ लेना। हड़बड़ी मत करना, हर चीज को मेडिटेशन के साथ सुना करो, ध्यान में सुना करो, मेरी हर बात आपके दिल तक छूनी चाहिए, और जब बात दिल तक छुएगी ना आपके, तो आपके मन में बदलाव आएगा, क्योंकि ये साई के शब्द है।
भाई, वो मित्र बोलने लगा, मेरा मित्र आपको बहुत सही कह के गया है, आप कितना समझ लोगे बच्चों, समझ लेना। जब मेरा मित्र 10 साल की उम्र में आश्रम में चला गया, आश्रम में उन्होंने भगवे कपड़े पहने और ध्यान धारणा साधना करने लगा, 20-30 साल का हो गया, तो फिर अपने गांव में आके लोगों को ज्ञान देने लगा। वो तो ब्रह्मचारी था बेचारा, भगवे कपड़े पहनता था, कोई उसके पास नहीं था, एक छोटा सा कटोरा था, एक लंगोट था, और फिर अपना जिंदगी मस्त जी रहा था, लोगों को ज्ञान दे रहा था, अपनी रूखी सूखी रोटी खाता था, झोपड़ी में रहता था, जो लोग देते थे उसमें खुश था। वो जो लंगोट पहनता था, वो दो ही लंगोट थे उसके पास, एक वो सूखने को लगा था और एक पहनता, और एक छोटा कटोरा था और कुछ नहीं था उसके पास। बट वहाँ चूहे आते थे और वो चूहे लंगोट को खा लेते थे, कभी कभी उसको तोड़ देते थे। तो वो बेचारा गरीब था, तो उसने सोचा, अभी बहुत परेशान था वो, तो उसने कहा अपने किसी गांव के चार मित्रों को, यार मेरा ये समस्या है, मैं क्या करूं। हमें नहीं कि हमारे जीवन में समस्या होने के बाद हम किसी का सलाह लेते, कहानी भले अलग हो लेकिन अपने जीवन से बहुत सटीक बैठ के आप ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। फिर वो उसके मित्र आते हैं और कहते हैं, यार तेरा भी बहुत समस्या है, आप गुरु जी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और आप कोई बार बार चूहे परेशान कर रहे हैं, ऐसा करते एक बिल्ली को ले लेते, और फिर वो एक बिल्ली को ले लेते, मतलब ला के रखते हैं उसके पास बिल्ली को। जैसे बिल्ली लाते हैं, बिल्ली फिर चूहों को खा लेती है और फिर चूहों का समस्या निकल जाता है, गुरुजी भी खुश हो जाते हैं, अपने अपने घर में सब होते हैं। लेकिन क्या है ना, शाम को जब गुरुजी ध्यान पे बैठते ना, वो बिल्ली आती, हमारा एक परम मित्र है अजय बोल के, मेरे पास काम करता है और वो बहुत धार्मिक है, मतलब धर्म के साथ वो जुड़ा है, और वो हमेशा परेशान रहता है उसकी जिंदगी में, उसको लगता है कि मेरे जीवन में समस्या है। मैंने एक बार अजय को कहा, तेरे समस्या तेरी नहीं है, सबकी है, किसी की बड़ी होगी किसी की छोटी होगी, लेकिन याद रखना समस्या सिर्फ तेरी नहीं है बेटा। उसी प्रकार जो गुरुजी के पास वो जो उसका लंगोट खाता था कोई चूहा, और जब चूहा लंगोट खाता था तो उसने बिल्ली रखी, अभी बिल्ली जब गुरुजी ध्यान पे बैठते थे तो वो आवाज करती थी, क्योंकि उसको खाने को कुछ नहीं था, तो आजू बाजू वाले लोग उसको दूध ला के रखते थे। अभी दूध लाना शुरू हुआ, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया, लोग कितना सपोर्ट करते हैं, लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। कहा है ना, मैंने कहानी आपको बताई थी पहले, कि जब एक बूढ़ा उसकी आंख निकल जाते है, खराब हो जाते है, और उसकी आंख खराब होने के बाद उसके तीन बेटे होते हैं और तीन बहू होती है, तो बड़ा बेटा बोलता है, पापा जी आपके आंखों का ऑपरेशन करेंगे। तो पापा कहते हैं, बेटा मेरे को क्या जरूरत है, तू मेरे तीन बेटे हो, तुम दोनों के छह आंखें और मेरी तीन बहू उनको छह आंखें, 12 आंखें हो गई, मुझे क्या जरूरत है, एक दिन उनके घर को आग लग जाती है, सब बाहर भाग जाते हैं, घर वाले जो बाबूजी होते हैं अंदर ही रहते हैं, बाद में उनको सबको याद आता कि बाबूजी अंदर है, तब तक बाबूजी मरे होते। अपनी खुद की आंख होनी चाहिए, समझ लेना, मैं बहुत कहानी बता रहा हूं लेकिन कहानी से अपने जीवन से सटीक संबंध है। उसी प्रकार फिर लोग कहते, गुरुजी अभी क्या है ना, ये बार बार बिल्ली को हमें दूध देना पड़ता है, ऐसा करते हमारे गांव के एक मुखिया है, उनके पास बहुत सारे गाय है, तो क्या है ना, उनमें से एक गाय उनको मांग के लेते, तो क्या होगा, बिल्ली को भी दूध होगा, आपको भी थोड़ा चाय के लिए हो जाएगा, और थोड़ा भी बचेगा तो आप रख देंगे दूसरे दिन खाने के लिए, फिर आपको भी तकलीफ नहीं होगी और आपको भी दूध मिलेगा। गुरुजी अभी अच्छे इंसान होते, ईमानदार होते, अच्छे इंसानों को क्या सलाह देने वाले कम थोड़ी होते, बोलते जैसे आप कहोगे। फिर लोग गाय लेके आते, अभी गाय आती है, गाय आने के बाद दूध निकलता है, दूध बिल्ली को भी होता है, गुरुजी भी खाते हैं, गाय को भी खाना चाहिए। तो अभी गाय को खाना 4-5 दिन के लिए लोग देते हैं, छठवे दिन में एक गांव का बुजुर्ग आता है, बोलता है, गुरुजी अभी गाय आ गई, लेकिन समस्या है कि हर बार आपकी गाय को खाना कौन देगा। ऐसा करते हमारे गांव में एक गरीब घर है, उसके दो बेटियां हैं, एक बेटी गरीब है, उसको भी काम चाहिए, वो आएगी काम करेगी आपके यहाँ, तो गाय को भी खाना होगा, बिल्ली का भी देखेगी और आपका भी थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेगी सब, और वो काम भी करेगी अच्छी तरह से। गुरुजी बोलते हैं, जैसे आप ठीक समझे। अभी वो लड़की आती है और काम करने लगती है, 8-10 दिन, महीना, 2 महीने हो जाते, तो आपस की महिलाएं आपस में गपशप करने लगती है कि देखो बाबा जी के घर में एक महिला है, तो महिलाओं की कुछ भी शुरू हो जाती है। गुरुजी तो अपना भोला आदमी, सिंपल आदमी होता है, उसको कुछ इससे लेन देन नहीं। फिर एक बुजुर्ग आता है, बोलता है, गुरुजी देखिए आप नौजवान है, वो लड़की भी नौजवान है,
आपके घर में ऐसे काम करेगी उचित नहीं होगा, लोग क्या कुछ भी बोलने लगे। आप ऐसा करो, देखो आप भी जवान है, ध्यान धारणा तो चलती रहेगी, प्रचार का काम भी चलता रहेगा, ऐसा करते हैं आपकी शादी करवा देते। गुरु जी बोलते जैसे आप ठीक समझे, फिर उनकी शादी हो जाती। अभी जैसी शादी होती है कुछ दिनों के बाद बच्चे भी आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं परिवार खिल जाता है, परिवार जैसे बड़ा बन जाता है फिर गुरुजी अपने परिवार को संभालते संभालते बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके पोते, और जो धर्म का कार्य उनको करना था, जो जीवन का कार्य करना था, जो अंतिम लक्ष्य था, वहां से वो बहुत भटक जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? आप कहोगे आप करो, हर चीज को मर्यादा में करना है, बस इसकी यही कहानी है। और फिर जो लक्ष्य होता है गुरु जी का पूरे विश्व में धर्म प्रचार करने का, वो भूल जाते हो। तो अभी आपको समझ में आया कि गुरु जी ने अंतिम सत्य कहा था कि अगर आप अपने जीवन में सच्चा कार्य करना चाहते हो तो बिल्ली मत पालो। और बिल्ली कहां तक पहुंच गई? कि अंतिम सत्य तक पहुंच गई है। अभी अगर बिल्ली अंतिम सत्य तक पहुंच सकती है तो एक फूल पूरे धरती में हरियाली ला सकता है। कैसे? तो वो छोटी से लड़की ने जो देखा वो फूल, फिर वो लड़का उसके साथ आया जुड़ा, और लड़के ने और उस लड़की ने जो फूल को देखा उसमें जो चिट्टी बैठ गई, चिट्टी ने जो पूरी तरह से फूल उसके अंकुर फैलाए और पूरी धरती हरियाली हो गई, पूरी खुशी आ गई। उसी प्रकार साई वाणी के माध्यम से इस जीवन में जो जो कठिनाइयां है, जो जो समस्याएं है, उनको दूर करने के लिए मैं पहला गुरु मंत्र देना चाहता हूं, साई का ध्यान। दूसरा है साई की क्रिया, जो अपने शरीर को मजबूत रखेगी। ये शरीर ही आत्मा है, यही आपका भगवान है। अपने अंदर भगवान है, कहीं बाहर मत ढूंढो। मैं लिखना चाहता हूं, साई बाबा हमेशा कहते हैं अल्लाह मालिक। साई बाबा कहते हैं भगवान आप मेरे मालिक हो। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो आपके पास है वो दूसरों के पास ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपा दीपा भव। आज का जो अंतिम सत्य है, ये दो कहानियां थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा एक मजाक के तौर पर बल्कि नहीं बट एक हंसी खुशी कुछ बताना चाहता था इसलिए मैंने बताई। वो पहली कहानी का सार आप सुनो और आप भी अपनी तरफ से तर्क लगाओ, लेकिन सकारात्मक तर्क लेना है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी कहानी से आप नकारात्मक सोचे, क्योंकि सोचने की जरूरत भी नहीं है। भाई और बहनों, यही तो जीवन है। एक से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस सौ, ऐसे बढ़ता जाता है। फिर हम अगर अच्छे विचार डालेंगे तो अच्छे बनेंगे, मित्र करेंगे तो और मित्र बनेंगे, दुश्मन करेंगे तो और दुश्मन करेंगे। इसीलिए कहते हैं लोग कि जब कोई गुंडागर्दी का रास्ता चुनता है तो उसको वापस आने की जगह नहीं होती। सही बात है, क्योंकि वो उसमें दुश्मन बढ़ाता जाता है, और जो अच्छा बनाना चाहता है अच्छे दोस्त बनाता जाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों ने बड़ा बड़ा संघर्ष लोगों के कल्याण के लिए किया है, वो नहीं रहे तो भी चांद सूरज तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, खुद के लिए नहीं किया। आपके जीवन में साई वाणी यही तो बदलाव लाना चाहती है। मेरा अंतिम सत्य है, आओ जुड़ो। इस प्रभाव को हम बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, नया समाज निर्माण करना चाहते हैं, नए विचारों का समाज जो अंतर्मन से खुश हो। मेरी मानवता और प्रेम ही सब कुछ है। अपने खुद के ऊपर प्रेम करो, बाकियों से आप करने लगोगे, क्योंकि एक सुगंध दूसरे सुगंध से जुड़ जाता है, एक सकारात्मक सोच दूसरे सकारात्मक सोच से जुड़ी जाती है, और एक नकारात्मक सोच दूसरी नकारात्मक सोच से जुड़ी जाती है। इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहूंगा मेरे सभी खासकर भाई और बहनों को, अभी आपको जुड़ना है अच्छे विचार के लिए, अभी आपको जुड़ना है एक हमारे क्रांति के लिए, और वो साई वाणी एक क्रांति है। इसलिए साई वाणी ऐप को आप डाउनलोड करें, और कोई भी समस्या हो 9604050607 और 9604191919 इससे संपर्क करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। ओम साई राम, प्रणाम।